दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा नाम शीतल वर्मा है और दोस्तों आज का दिन बहुत ही आपके लिए शुभ है और मेरे लिए भी शुभ है। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। दोस्तों लाइफ में सबसे अहम चीज़ है गुरु। दोस्तों अगर आप कुछ भी बन रहे हैं या कुछ भी आप बने हैं या कुछ भी आगे चलकर बनेंगे तो बिना गुरु के नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आप लोग को हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उन ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें मतलब जन्म दिया। हमारे माता पिता फर्स्ट गुरु हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें जन्म दिया। दोस्तों दूसरे हमारे गुरु वो है, वो चाहे हमारे उम्र में छोटे हों चाहे बड़े हों, वो कैसे भी हों लेकिन गुरु गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु का मतलब किसी उम्र से नहीं होता, जो हमें किसी भी राय में किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं या प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने की रास्ता दिखाते हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं। दोस्तों वो चाहे छोटे हों या बड़े हों उम्र में। दोस्तों हमें इस गुरु पूर्णिमा के दिन से हमें आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए ताकि उस चीज़ों को सीख के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों होता क्या है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ईगो होता है कि नहीं मैं तो जो भी कुछ हूँ अपने दम पे हूँ। दोस्तों अपने दम पे तो कुछ भी नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी को गुरु मान के किसी न किसी इंसान को जो है राहों में चलकर ही इंसान आगे बढ़ा है। आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रेम भाव की वजह से सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर आज मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ दोस्तों तो आपका सपोर्ट की वजह से मैं बढ़ा हूँ। अगर आज मैं यहाँ तक आपके सामने मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, अगर मैं आज यहाँ तक मैं बढ़ा हूँ तो दोस्तों बिना गुरु के मैं नहीं बढ़ा हूँ। दोस्तों अगर मुझे आज किसी ने यहाँ पर गाइडलाइंस किया है वीडियो बनाने के लिए तो भी मेरे ही गुरु हुए हैं, कोई ना कोई मुझे गाइडलाइंस किया होगा। दोस्तों जहाँ तक कि देखा जाए अगर शुरू से अगर हमने चलना भी सीखा है ना तो हमारे मम्मी पापा ही हमको चलना सिखाए हैं, वही हमारे गुरु थे। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो भी हमारे स्कूल कॉलेज में गुरु है, यानी हमेशा गुरु का दर्जा ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। जिस रास्ते से हम चलते हैं या जिस लेवल में हम जा रहे हैं और जिस चीज़ के लिए हम कदम रखते हैं वहाँ पर हमेशा गुरु हमेशा चेंज होते रहते हैं। धीरे 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 हर तरीके से हमारे गुरु दोस्तों चेंज होते रहते हैं। अगर आज आप कोई भी नया काम कर रहे हो, अगर आपको मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है तो आप सोचिए आपको वो दोस्त आपको बताता है तो आपका कौन हुआ, हमारा गुरु हुआ। दोस्तों अगर आपको बोलना सही तरीके से नहीं आता, अगर हमारा मित्र या हमारा रिश्तेदार अगर हमको सही से बोलना सिखाता है तो हमारा दोस्तों हमारे लिए गुरु हुआ। दोस्तों अगर हमको कपड़ा पहनना अच्छा नहीं आता वो हमको सिखा दिया तो वो हमको हमारा गुरु हुआ। दोस्तों गुरु कैसा भी हो गुरु गुरु होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिस जगह से हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है दोस्तों हम उसको गुरु गुरु ही मानते हैं। आज आप भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये लग रही होगी कि दोस्तों अगर मैंने कुछ सीखा है, मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया दोस्तों तो बिना गुरु के कुछ नहीं हुआ। आपको भी एक पुरानी याद आती होगी कि हाँ यार ये चीज़ मुझे उस दोस्त ने सिखाया था और ये और उस दोस्त ने मुझे सिखाया तभी मैं यहाँ तक पहुँचा और उस चीज़ के बारे में जाना समझा। तो दोस्त आपको हमेशा गुरु का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि गुरु के चरणों में ही स्वर्ग होता है। और कहीं से भी आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करिए, हमेशा सीखते रहिए, कभी दूसरों का बुरा मत सोचिए ना तो बुरा करने के बारे में सोचिए। दोस्तों यही सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, यही सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अगर दूसरों को अच्छा बनाने के बारे में या आगे बढ़ाने के बारे में तरक्की के बारे में सोचेंगे तो दोस्तों आपका भी एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप भी हमेशा ऊपर की ओर तरक्की की ओर चलते जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, फनी कमेंट्स वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने दम पे नहीं बोल रहा हूँ, गुरुओं के माध्यम से और आप सब लोगों के प्रेम भाव सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार से ही सीख के मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये कोई वर्ड्स ही नहीं है, ये सारे वर्ड्स आपके ही हैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ, राइट ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी लैंग्वेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसलिए अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अच्छा बना रहा हूँ दोस्तों। और शेयर करिए, कमेंट्स करिए दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी दिल में अगर आपको ये लगे कि नहीं वीडियो अच्छा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो चलते हैं, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।